हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 21 सितंबर गुरुवार का दिन है। ऐसे में कैसा रहने वाला है आपका दिन? आज के दिन आपके लिए कौन सा लकी कलर लकी नंबर रहेगा? आपका बिजनेस, व्यापार, लव लाइफ और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियाँ आज दस्तक देंगी और किस प्रकार से आपको कौन से कार्य क्षेत्र में सावधान सतर्क और संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी? मित्रों, आपको बताएंगे आपके जीवन में इस समय व्यापारिक स्थितियाँ, व्यवसायिक स्थितियाँ और लव लाइफ की स्थितियाँ कैसी रहेंगी। किस प्रकार से आपके जीवन में जो गरीबी चल रही है, जो आर्थिक स्थितियाँ या धन की कमी चल रही हैं, उसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं और किस प्रकार से धन की प्राप्ति भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा और इसके साथ साथ भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होंगी। आज के दिन कौन से ऐसे शुभ कार्य हैं जो आपके स्वतः ही होने वाले हैं। भाग्य का आपको कितना प्रतिशत आज सहयोग मिलने वाला है और दुश्मन या प्रतिरोधी से किस प्रकार से आप सतर्क रह सकोगे और किस प्रकार से उनसे जीत हासिल कर सकते हैं। गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब कैसे आपको आज प्राप्त होने वाला है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आज गुरुवार का दिन है, श्रीहरि विष्णु जी का दिन है। वैसे में देवगुरु श्रीहरि विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप लोगों पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। आपको आपके भाग्य का सहयोग आज पूर्णतः मिलने वाला है। भाग्य का सहयोग मिलने के कारण आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। जिस कार्य को आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, जिस काम को आप बहुत ही लंबे समय से करने का प्रयास भी कर रहे थे, वो सारे के सारे आज सफल होंगे, वो भी आपको चंद मेहनत के दरमियान। दिन की शुरुआत में कुछ ऐसी चीज़ें योजना के अनुसार घटित होंगी जो कि आपको लाभ दिलवाने वाला है। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान को केंद्रित करने करके रखने की जरूरत होगी। आज आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत रहने वाली है। आर्थिक समस्याएं आपके सिर उठा सकती हैं। आर्थिक समस्याओं को लेकर आप विचार विमर्श या पारिवारिक लोगों के साथ थोड़ी सी वार्तालाप कर सकते हैं। परिवार का पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। आनंद की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का सहयोग और सलाह आज आपको आपके जीवन में विशेष उन्नति दिलवाने वाला है। व्यवसायिक संदर्भ में नए उद्यम की शुरुआत कर सकते हैं। नए उपयोगिताओं को आप बढ़ा सकोगे या नए काम को करने के लिए आपका आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। या एक नए सौदे भी आप आज पार्टनरशिप में, साझेदारी में या किसी बड़ी डील को आप आज साइन कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और शुभ रहने वाला है। भविष्य में आप इससे अत्यधिक लाभ को अर्जित कर सकोगे। व्यावसायिक और सामाजिक दायरे में सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आपका दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपको आपके जीवन में सफलता के साथ साथ उन कामों को करने का मौका भी मिलेगा जिससे कि आपका नाम, आपका व्यवहार और आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और काफ़ी आप सफल रहोगे। आज के दिन व्यावसायिक और सामाजिक दायरे आपके बढ़ने वाले हैं। आपको प्रतिष्ठा हासिल करवाने में काफ़ी योगफुल बनाने वाले हैं। आपको योग्य लोगों के साथ, कुछ बड़े अधिकारियों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ अपने संबंध को स्थापित करने का एक विशेष मौका आज मिलने वाला है। इस मौके का आप विशेष फायदा उठाने की अवश्य कोशिश करें। इस अपॉर्चुनिटी को आप गंवाने ना दें। पारिवारिक जीवन आरामदायक रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव होने वाला है। आपके पास नए अधिग्रहण होंगे, नए कामकाजों को करने का नया सुझाव मिलेगा। नई जिंदगी में नए कामकाजों को करने के लिए आप विशेष उपयोगिताओं को उपयोग कर सकते हैं जो आपकी जीवन शैली में सुधार करेंगे और आपकी संतुष्टि में वृद्धि करेंगे। आप और आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बहुत ही शुभ रहेगा और कोई बड़ी चिंता भी नहीं रहेगी। अगर कोई जातक आपके घर में बहुत ही लंबे समय से बीमार था या उसे किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा या उस विषय में आज आपको कोई पॉजिटिव साइन भी मिलने वाला है। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान दें। छात्रों के लिए भी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा उन्नतिदायक रहेगा। छात्र भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने पैसे कमाने के और नए क्रिएटिव आइडिया को ढूंढ पाने में सफल होंगे और अपने पार्ट टाइम जॉब करके या पार्ट टाइम कोई एक्स्ट्रा काम करके अपने इनकम को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। आज
कार्यस्थल पर आपके पास अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए बेहतर अवसर होंगे जो आपकी सफलता की ऊंचाई तक आपको पहुंचाने में काफ़ी सहयोग करेंगे। परंतु आज के दिन आप अपने वाणी पर संयम रखें, गुस्से को कंट्रोल में रखें। गुस्सा आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको आपके गुस्से को कंट्रोल में रखना, संयमित रखना विशेष ज़रूरत रहेगी। वाद विवाद या झंझटों में न पड़ें। वाणी में आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो लोगों को अच्छा अनुभव करवाए, अनुकूल अनुभव करवाए। अगर आप कटु वचन का प्रयोग करोगे तो आपके जीवन में इस समय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बिना मतलब का बेवजह कोई नया दुश्मन भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको आपके वाक्य पर, शब्दों पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। आज के दिन पारिवारिक जीवन में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आपका जीवन साथी और बच्चे बहुत सारे नए नए आपको गिफ्ट दे सकते हैं। आज के दिन सामाजिक रूप से आप बहुत ही लोकप्रियता को हासिल करोगे, लोकप्रिय बनने वाले हो। समाज में आपकी एक अलग छवि, अलग पहचान बनने वाली है। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आज आपको मिलने वाला है। वित्तीय मामलों में सुधार और निरंतर प्रगति की प्रबल संभावनाएं आज दिख रही हैं। किसी दूर स्थान की लंबी यात्रा कर सकते हैं जो आपके लिए आज बहुत ही फलदायक रहेगी। आज के दिन आपको आपके यात्रा पर निकलने से पहले अपने पूर्वजों का, अपने जीवन में उन सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर ही आपको निकलना चाहिए जो आपके लिए शुभ और काफ़ी अच्छा है। मित्रों, आज के दिन आप यात्रा पर निकलने से पहले अपने ज़रूरी कागज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को साथ रख लें, अन्यथा कोई ऐसी चीज़ भूल सकते हैं जो आपको बाद में परेशानी दे सकती है। आप अपने मोबाइल का विशेष ख्याल रखें। मोबाइल आप कहीं रखोगे और कहीं भूलने की आदत आपको हो सकती है, इसलिए आपको आपके मोबाइल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन आप में से अधिकतर के लिए शुभ परिणाम दायक रहेगा, शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा, शुभ यानी कि अच्छा अच्छा लाभ दिलवाने वाला है। सामाजिक कार्य या राजनीतिक से जुड़े लोगों को कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल करने का मौका आज मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग नवीन संपर्क को स्थापित कर सकते हैं, नए लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को आज लॉटरी जैसी सुविधाएँ भी प्राप्त हो सकती हैं। आज रचनात्मक क्षेत्रों में आप असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर सकोगे। रचनात्मक क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नई नई योग्यताओं को हासिल कर सकते हैं। परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वालों के लिए भी आज शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों को भी आज पॉजिटिव रिस्पॉन्स की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों, आज के दिन आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। आप जंक फूड, ऑयली मसालेदार चीज़ों का सेवन जितना ज़्यादा न करें वही आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या फिर आपको हाइजीन हो सकता है जो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। इसलिए आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा और जंक फूड, तेल, मसालेदार चीज़ों को खाने से परहेज करने की जरूरत होगी। कोर्ट कचहरी में लंबित कोई संपत्ति संबंधी मामला आपके पक्ष में आ सकता है। अगर आप किसी लंबे समय से किसी ऐसे कार्य पर जुड़े हुए थे जो आपके भविष्य को लेकर काफ़ी संकट को मंडरा रहा था, उन सभी संकटों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके सभी कार्य सफल होंगे और आज जो है आपको कोर्ट कचहरी से विशेष प्रॉफिट मिलने वाला है। सारे के सारे फैसले आज पक्ष में आने वाले हैं। अगर आप किसी नए परियोजनाओं पर भी योजना बना रहे हो तो उनमें भी आज आप भागीदारी कर सकते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। घरेलू वातावरण आपका शानदार रहेगा। आपको आपके जीवन में बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ नई और अनुकूल वातावरण भी मिलने वाला है। आज आप में से कुछ लोगों को रचनात्मकता, पेंटिंग और वातावरण को ढूंढने घूमने का एक नया जरिया भी मिलने वाला है। लेकिन वित्तीय दबाव हो सकता है, पैसों को लेकर कुछ लोगों को कमी इस समय अनुभव हो सकती है, इसलिए आपको धन संबंधी मामलों को समझदारी से निपटाना आपके लिए ज़रूरी होगा। खर्चों को कंट्रोल में करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, कार्य हो सकता है, इसलिए आपको आपके खर्चों का विशेष ध्यान देना होगा। व्यावसायिक संदर्भ में आप अपने लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग कर सकते हो और किसी रचनात्मक कार्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आप विचारों को विकसित करने के लिए अवसरों की खोज में समय और ऊर्जा का निवेश भी आज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकोगे। परिवार के साथ बहुप्रतीक्षित यात्रा कर सकते हैं या फिर
कुछ ऐसी यात्राएं हैं जो कि काफ़ी लंबी दूरी की हैं, वो भी याद आप कर सकोगे। प्रेम संबंधों में आपको नई खुशियां और नए मानसिक सुकून की प्राप्ति आज होने वाली है। मित्रों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है और आपको आपके वाणी पर ध्यान रखना है, और इसके अलावा आपका दिन बेहद ही शानदार और बेहतरीन गुजरने वाला है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।